नून लीग के 3 सीनियर रहनुमाओं का नवाज शरीफ को तश्वीशनाक पैगाम, खतरे की घंटी बजा दी। सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी ने कहा कि कायद नून लीग को पार्टी के 3 सीनियर रहनुमाओं ने पैगाम भिजवाया है कि अगर आप वतन वापस नहीं आते तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग 10-20% सीटें भी नहीं जीत सकेगी। निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए आरिफ हमीद भट्टी ने कहा कि नवाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, वो वापस आते हैं तो इन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। अगर हुकूमत इलेक्शन से ऐसे भागती रही तो इन पर तौहीन अदालत लगेगी। सीनियर तजियाकार ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी को भी तौहीन अदालत पर वजारत उज़्मा से हटाया गया था। आरिफ हमीद भट्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो अमल दरामद करने में कोताही करेगा वो अपने ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकता। ताहम मुस्लिम लीग नून शुरू से इलेक्शन के फरार के रास्ते ढूंढने की कोशिश कर रही है और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि हर कीमत पर आइन की बहाली के लिए 5 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद करवाया जाएगा, वरना इस मुल्क में आइन से बगावत हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।